सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? वेलकम टू अ न्यू व्लॉग काइंड ऑफ। सो हम लोग की कॉलेज इतनी गंदी तरीके से मारी जा रही है कि हम लोग इतने थके हैं, ऊपर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अभी, मत पूछो। मतलब 2-3 दिन से इतनी भाग दौड़, और इसमें मैं जिम भी जा रहा हूँ, 6-6 बजे कॉलेज से आ रहे हैं, वो भी चल के, कभी नहीं तो ट्राम बस मिल जाए तो उससे आ रहे हैं, मोस्टली अभी तो चल के ही आ रहे हैं। और मतलब एकदम हालत ख़राब, रात में अच्छी से नींद भी नहीं मिल पा रही है कि सुबह तक मस्त सोए, क्लास ना जाए, मन नहीं करा आज क्लास जाने का, पर भी जाएंगे। सो 2 क्लासेस है हमारी, 12 एंड 4, एंड बहुत दूर दूर क्लासेस हैं, तो अभी बस प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दैट कि जाके कुछ सुना पाए, नहीं तो भैया टीचर नंबर नहीं देगी। स्कूल लाइफ ही चलती है भाई, कॉलेज में भी ऐसा लगता है कॉपी लिखो, ये लिखो, वो लिखो, भाई मत पूछो, हालत ऐसी ख़राब है कि क्या बोले। बाकी अब थोड़ी देर में तैयार होंगे, देन निकलेंगे क्लास के लिए, एंड बस उसके बाद जब क्लास पहुँचेंगे तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो अगर देखो गाइस, तुम लोगों को 2 लास्ट व्लॉग्स अच्छे लगे तो यार प्लीज़ थोड़ा सा उस पर लाइक करो, शेयर करो यार, अच्छा लगेगा मुझे। एंड अगर इस व्लॉग में भी मैं शेयर करूँगा सबको, तो प्लीज़ ज़रूर से अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करवाना उनसे, एंड जितना हो सके उतना शेयर करो। बाकी अब चलो, जब तैयार होके रेडी हो जाएंगे तब तो मिलते हैं। ट्राम स्टेशन पहुँच गए हम लोग, एंड वेटिंग फॉर द बस। बस कब तक आएगी पता ही नहीं, एंड यही दिक्कत है यार, यही सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। चल के आओ, ट्रैम का इंतज़ार करो, ट्रैम का इंतज़ार करने के बाद बैठो, ट्रैवल करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लेट होगा क्लास में, और टीचर सुनती, एक बार भी सुनती नहीं। थी क्या बोले, मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं थी भाई एकदम से। उसमें भी मैंने हल्का सा सिनेमैटिक्स निकालने की कोशिश की, तो लोग ऐसा घूर घूर के देख रहे, ऐसे उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं भाई। मतलब यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि अगर उनको शक होता है कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो फ़ोन चेक करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा निकाल भी नहीं आता क्योंकि ट्राम पूरी भरी पड़ी थी, और ऑफकोर्स लोग चेक करते इसीलिए। बाकी अभी हम लोग पहुँच गए लोकेशन पर, अब चल के जा रहे हैं क्लास तक के लिए। एंड अब देखो 12 के ऊपर तो हो चुका है, आई थिंक सो 12:15 हो चुका है, तो आई होप सो कि टीचर को सुना है ना। सो क्लास अच्छे से हो गई है, बट उसकी बात लग गई फिर से हमारे दोस्त की। बाकी सैयद आसिम पीछे बैठे हुए हैं, सो फाइनली एक क्लास ख़त्म हो चुकी है हमारी, एंड अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, बिकॉज दूसरी क्लास है 4 बजे। पहुंचने में वो क्लास भी बहुत दूर है हमारी, पर सोच रहे हैं कि खाना खा लें, लास्ट टाइम भी हम लोग ने ऐसा ही किया था तो हम लोग की तो वाट लग गया भाई, लेट हो गए थे। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग तुरंत खा के हॉस्टल से लाइक करके खाना खा के तुरंत निकलेंगे क्लास के लिए, बिकॉज टीचर अब पागल सी है, पता नहीं क्या पूछने वाली, क्या करने वाली है। कॉपी लिखने को दिए 3-4, मतलब PDF 3-4 पन्ने की है, वो लिखा हूँ मैं। हॉस्टल पहले ऐसा सीन नहीं था, हम लोग मेस में गए, खाना खाया अच्छे से, उसके बाद हम लोग सोचे डायरेक्ट निकलते, पर मूड कर गया, हमारे पास आधे घंटे पड़े हुए थे, तो हम लोग बोले चलो रूम में चल कर 10-15 मिनट भी अगर लेटने को मिल जाए भाई, खाने पर थोड़ा सा लेटने को मिल जाता बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब लेटेंगे यार 5-10 मिनट, उसके बाद 3 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। अगर तुम लोग को नहीं पता इंडिया वाले, तो यहाँ पर जो टाइमिंग है वो आधे घंटे आगे है इंडिया से, मतलब अगर इंडिया में 3 बज रहे होंगे तो
यहाँ पे 3:30 हो रहे होंगे, तो ऐसे करके सीन है। तो अब निकलेंगे 3 बजे, आई होप सो जल्दी बस मिल जाए। लास्ट टाइम ये हुआ था कि हम लोग को बस करीबन 40-50 मिनट लेट मिली, आई नहीं रही थी भाई, एकदम आई नहीं रही थी। तो वो ट्रैम आई नहीं रही थी, जिसकी वजह से ये हुआ ना कि हम लोग क्लास में पहुँचे आधे घंटे लेट, एंड उसने हमारी एबसेंटी लगा दी। मैम से जाके रिक्वेस्ट की, मैम प्लीज़ 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 डोंट पुट एबसेंटीज, वी आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड प्लीज़, करते रह गए बस। उसने तब भी नो 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 करके ना, नहीं अटेंडेंस के मार्क्स ही नहीं डाले। तो आई होप सो कि आज थोड़ा जल्दी हम लोग को ट्रैम्प मिल जाए, नहीं अदरवाइज अगर आज फिर लेट हुए तो फिर एबसेंटी डाल देगी। ऐसे दो हम लोग की करीबन, हम दोनों के 4-4 मार्क्स जाएंगे, मतलब मी एंड आसिम के 4-4 मार्क्स जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा। अभी जो हम लोग का करंट चीज़ें चल रही हैं, जो भी सब्जेक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें अटेंडेंस कंपलसरी है। तो अब यही है, अब 10-15 मिनट आराम, उसके बाद सीधे ट्राम स्टेशन पे जाएंगे, एंड वहाँ से तुम लोग को सीधे मैं कॉलेज में मिलूंगा, मतलब क्लास में। इनको देखो, हाँ बहुत पढ़ाई कर रहे हैं सबके सर, बहुत पढ़ाई चल रही है भाई। बाकी क्या सीन है नबी, पीले मत दिखाया कर सिद्धेश्वर भाई, पढ़ाई कर रहा हूँ ये लगाते। अरे मेरा फोन में गाली गाली का है, गाली का है दे रहे हो क्या, गाली दे रहे हो तुम। पढ़ाई करेंगे सिद्धेश्वर, क्या करेंगे भाई हम लोग, ओए पैर फिर रहे बस पढ़ाई करेंगे, क्या करने वाले क्लास में आके, नेक्स्ट टाइम मैम, नेक्स्ट टाइम। हाँ क्या पूछता हो, रन लेगी क्या हेलो क्या बोल रही है ना, अच्छा पुस्तक नहीं दिखाएंगे भाई हम लोग यार, एक नोटबुक खरीदो वो कोई मेरे को, ये देखो ये रोता ही रहता है, जब भी देखो रोता ही रहता है। कौन कौन भाई, तुम और मैं रो रहा हूँ भाई, कौन रो रहा है भाई, मैं रो रहा हूँ सबसे बेस्ट मोमेंट है कि क्लास में टीचर नहीं है, अखंड बकचोदी सारे बकचोद तो इसी ग्रुप में तो आई नहीं, अब क्या किया जाए, सोएंगे हम यही क्लास में। ये पैथफिजियोलॉजी का क्लासरूम है, ऐसे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, बस लगे ही रहते हैं, बस लगे ही रहते, चालू नहीं होते, चालू नहीं होते। ये भी ऐसे कवर में ही रहते हैं माइक्रोस्कोप्स बस, इनका काम नहीं है यहाँ पे, अगर जाके बैठ गया तो वही जाके स्कैन हो जाएगा। ये भी हम लोग होता तो चुरा ले जाते, पर क्या मतलब है, बना के आ गया अपन से नहीं पूछेगी नंबर मिल जाएगा यार, मत पूछो भाई कसम से, जो हम लोग मतलब 1 घंटा बैठाई उसके बाद आई ऐसे क्वेश्चन पूछने लगी कि हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है भाई। नीलांश का तो एकदम से लग रहा था कि नीलांश 3 घंटा पढ़ा है, हाँ नीलांश 3 घंटा जाके वहाँ पे जाके हायर के ऑर्डर बना दिया गलत वाली और गलत में भी ऐसे चौड़ मार रहा है कि ठीक है भाई अरे यार चलो तो गाइस आज का यार व्लॉग खत्म करते हैं, तो तुम लोग से जल्दी मिलेंगे। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से घर, क्योंकि अब बज रहे 6, ठीक है 6 बज रहे हैं, हम यहाँ से जिम में। ए नीलांश जिम चल रहा है ना, ए नीलांश जिम चल रहा ना, हाँ तो हम लोग जा रहे हैं जिम। और अब So guys, if you like this vlog, please don't forget to like and subscribe. Okay, see you soon in the next vlog. अगली बार तक मरने के लिए। अरे भाई, bye bye.